सब्सक्राइब करें मेरे चैनल skcoachingcenter.com को और बेल आइकन दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज प्रस्तुत है सेट 14 संस्कृत पीयूषम का चतुर्दश पाठ शास्त्रकारः और यह इस सीरीज का अंतिम वीडियो है क्योंकि आपके संस्कृत पीयूषम में कुल 14 पाठ हैं। और जो लोग अभी इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अन्य सेट 1 से 13 भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमेशा की तरह मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पाठ से कुल मैंने 40 प्रश्न लिए हैं, तो आपको करना क्या है, आप सभी को मालूम है जो मेरे नियमित वीडियो देख रहे हैं कि आपको भी अभ्यास करना है और अंत में कमेंट्स करके मुझे बताने हैं कि आपके कितने उत्तर सही हुए। और पाठ के अंत में, इस वीडियो के अंत में बल्कि कहूँ तो मैं उन लोगों के नामों की घोषणा करूँगा जो पिछले वीडियो में पूछे गए सवालों का जवाब दिए थे। और फिर अंत में कुछ मैंने सस्पेंस रखा है कि क्या होने वाला है, तो आप तैयार हो जाइए, 1 से 40 तक के प्रश्नों को लिख लें और तैयारी करें और मुझे बताएं कि आपके कितने उत्तर सही हुए। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न लेते हैं। आप उम्मीद है कि आपने सभी प्रश्न 1 से 40 तक लिख लिए होंगे और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, केन कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम, किसके द्वारा लिखा हुआ किया हुआ व्याकरण प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए पाणिनिना, बी कालिदासेन, सी चाणक्येन, डी भासेन। तो पहला का आंसर होगा व्याकरण किसका प्रसिद्ध है, तो पाणिनिना, पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ व्याकरण। दूसरा, कक्षाया कः प्रविशति, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, ए छात्र, बी शिक्षक, सी देव, डी आदेशपाल। तो पाठ के अनुसार पहले कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं। तीसरा है, छात्रा कस्य अभिवादनम कुर्वन्ति, छात्र लोग किसके किसका अभिवादन करते हैं, ए राजनेता, बी प्राचार्य, सी शिक्षक, डी लिपिक। अब सोचने वाली बात है कि कक्षा में आए हैं कौन, तो शिक्षक आए हैं, तो अभिवादन किसका करेंगे, शिक्षक का ही करेंगे ना, तो तीसरा का आंसर सी शिक्षक। चौथा प्रश्न, कह सांख दर्शनस्य प्रवर्तक आसीत, सांख दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, ए कनाद, बी पाणिनि, सी विष्णु शर्मा, डी कपिल। तो इसका आंसर 4 का आंसर डी कपिल है। पांचवा प्रश्न है, कस्य षट अंगानि भवन्ति, किसके 6 अंग होते हैं, ए व्याकरणस्य, बी वेदस्य, सी पुराणस्य, डी ईश्वरस्य। तो क्या होगा, पांचवा का आंसर बी वेदस्य, वेद के 6 अंग होते हैं। छठा प्रश्न की ओर चलें, शास्त्राणि कस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति, शास्त्र किसके स्रोत और स्वरूप हैं। छठा का ऑप्शन है ए ईश्वरस्य, बी समस्त ज्ञानस्य, सी सामाजिकस्य और डी विद्यालयस्य। तो छठा का आंसर बी समस्त ज्ञानस्य, समस्त ज्ञान के स्रोत हैं शास्त्र। सातवां प्रश्न, भारतवर्ष से केषां महती परंपरा श्रूयते, भारतवर्ष में किसकी बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है, ए शास्त्रानाम, बी ग्रंथानाम, सी पुराणानाम और डी व्याकरणानाम। क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होगा, तो 7 का ए, चूंकि शास्त्र से ही संबंधित है, शास्त्रानाम। आठवां है, वेदस्य कति अंगानि सन्ति, वेद के कितने अंग होते हैं, ध्यान दे प्रश्न पर, पांच प्रश्न पर ध्यान दे, पांचवें नंबर प्रश्न पर ध्यान दें, इसमें पूछा गया था किसके 6 अंग होते हैं और यहां पूछा जा रहा है कि वेद के कितने अंग होते हैं, तो प्रश्न एक ही है लेकिन उसे इधर उधर करके पूछा जा रहा है, तो आप दिग्भ्रमित ना हो बल्कि सही उत्तर याद रखें। तो 8 का आंसर, चूंकि ऑप्शन है ए में पंच, 5, बी चतवारी, सी त्रय और डी षट, तो आंसर हो जाएगा डी षट, 6 अंग होते हैं। 9वां प्रश्न, शिक्षाम काम बोधयति, शिक्षा किसका बोध कराता है, 9वां का ऑप्शन है ए ज्ञानम, बी ध्यानम, सी कर्तव्या अकर्तव्यम और डी शास्त्रम। तो 9वां का आंसर हो जाएगा सी कर्तव्या अकर्तव्यम, ध्यान दे, कर्तव्य और अकर्तव्य, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध कराता है शिक्षा। 10वां का आंसर पाणिनि, ए प्रश्न बल्कि पाणिना कृतम किम प्रसिद्धम, इससे पहले भी आया था,
पाणिनि द्वारा किया हुआ या लिखा हुआ या रचा हुआ क्या प्रसिद्ध है? ए ग्रंथम, बी व्याकरणम, सी दर्शनम, डी पुराणम। तो पाणिनि का प्रसिद्ध है व्याकरणम, यानी दस का आंसर बी। वेद रूपम शास्त्रम किम भवतु, वेद रूप शास्त्र क्या होता है? ए सत्यम, बी ज्ञानम, सी नित्यम, डी धर्मम। श्लोक सुना होगा आपने कि शास्त्रम भवतु नित्यम भवतु शास्त्रम वेद रूपम, यानी 11 का आंसर सी नित्यम। 12 नंबर, कई सह किसके साथ छात्रानाम परिचय भविष्यते, छात्रों का परिचय होगा, यानी पाठ में शुरू में जो आया है। ए आंग्ल भाषायाम, आंग्ल अंग्रेजी भाषा के साथ। बी बौद्ध शास्त्र, बौद्ध शास्त्र के साथ। सी जैन शास्त्र, जैन शास्त्र के साथ। या डी संस्कृत शास्त्र, संस्कृत शास्त्र के साथ। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही आपने सोचा, डी संस्कृत शास्त्र। 13 नंबर, शास्त्रम केभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम च बोधयति, शास्त्र किसको कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? किसको? ए दानवेभ्य दानवों को, बी मानवेभ्य मानवों को, सी दानेभ्य दानों को, डी धनेभ्य। बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है, किसको कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराएगा? तो 13 का आंसर बी मानवेभ्य। 14 नंबर, केन मुनिना कृषि विज्ञानम प्रवर्तितम, किस मुनि के द्वारा कृषि विज्ञान को प्रवर्तित किया गया, मतलब लिखा गया कृषि विज्ञान बल्कि? तो 14 का ऑप्शन देखें, ए पाणिनिना, बी कपिलेन, सी पराशरेन, डी गौतमेन। अब देखिए, मान लिया कि आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप जानते हैं कि पाणिनि की चर्चा कई बार हो गई, उन्होंने व्याकरण लिखा था। कपिल जो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। तो 14 का आंसर जो हो गया वो सी पराशरेन, पराशर ने कृषि विज्ञान लिखा। 15वां क्वेश्चन देखें, केन मीमांसा दर्शनम प्रणीतम, किनके द्वारा मीमांसा दर्शन प्रणीत किया गया, मतलब लिखा गया रचा गया? तो 15 का ऑप्शन देख लें पहले आप, ए कपिलेन, बी पराशरेन, सी गौतमेन, डी जैमिनिना। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से रख लें कि जितने भी दर्शन हैं उनको बिल्कुल याद कर लें आप। तो अभी अभी मैंने बताया था कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन का वो प्रवर्तक थे वो, अभी पराशर की बात हुई है तो कृषि विज्ञान लिखे थे, गौतम न्याय दर्शन लिखे थे, तो बच गए अब डी जैमिनिना, जैमिनी के द्वारा। तो 15 का ऑप्शन हो गया डी जैमिनिना। 16 है, चरक संहिता कस्य रचना अस्ति, ए कपिलस्य, बी माघस्य, सी चरकस्य, डी गौतमस्य। बिल्कुल मिलता जुलता नाम है चरक संहिता, स्वाभाविक है चरक ने ही लिखी होगी इसको। तो 16 का आंसर सी चरकस्य। 17वां प्रश्न की ओर चलते हैं, कस्य ग्रंथ आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध, किसका ग्रंथ आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध है आर्यभट्ट के नाम से? ए आर्यभट्टस्य, बी गौतमस्य, सी पराशरस्य, डी चरकस्य। कॉमन सेंस लगाने की बात है, आर्यभट्ट भट्टीय नामा जो ग्रंथ है किसने लिखा होगा? बिल्कुल सही 17 का ए आर्यभट्टस्य। 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं कि योग दर्शनस्य का प्रवर्तक, ए बोधयान, बी पतंजलि, सी पिंगल, डी चरक। तो योग से याद आता है पतंजलि, पतंजलि का योग दर्शन। तो 18 का आंसर बी पतंजलि। 19 नंबर प्रश्न है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? बादरायन, ए बी कणाद, सी पतंजलि, डी जैमिनी। अब देखिए कि अभी पतंजलि आपको बता दिया गया कि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं वो, जैमिनी के बारे में बताया गया आपको, कणाद के बारे में बताया गया। 19 नंबर बिल्कुल सही ए बादरायन। 20 आर्यभट्टीयम किसकी रचना है? अभी अभी आया था, संस्कृत में पूछा गया था ये प्रश्न, अभी हिंदी में पूछ दिया गया। आर्यभट्ट, बी चरक, सी वराह मिहिर और डी पराशर। तो आर्यभट्टीयम किसकी रचना हो सकती है? ए आर्यभट्ट की। 21 नंबर, कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? योग दर्शन, बी मीमांसा दर्शन, सी वैशेषिक दर्शन और डी न्याय दर्शन। अब देखिए कि 21 नंबर को प्रश्न को कैसे याद रखेंगे, कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो योग दर्शन जो है पतंजलि ने लिखा, अभी मीमांसा दर्शन की बात हो रही थी, न्याय दर्शन गौतम ने लिखा, तो सी
यानी 21 का आंसर सी वैशेषिक दर्शन। 22 न्याय दर्शन की प्रणेता कौन है? याद हो गया होगा आपको, ए गौतम, बी कणाद, सी पतंजलि और डी जैमिनी। 22 का आंसर न्याय, ए गौतम। 23वां प्रश्न है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है? ए आर्यभट्ट, डी बी बाराह मिहिर, सी चरक और डी पराशर। तो 23 का आंसर क्या हो सकता है? आर्यभट्ट तो होगा नहीं, वराह मिहिर होगा नहीं, पराशर ने कृषि विज्ञान लिखा था, तो सी चरक। 24 खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत हैं? याद रखें ये सवाल पिछले वीडियो में पूछे गए थे, जो वीडियो के अंत में दो सवाल पूछे जाते हैं ना, उसमें पूछे गए थे, बहुत लोगों ने इसके जवाब सही दिए। तो अभी यहाँ बता दिया जाए कि दर्शन शास्त्र ए में, बी में न्याय शास्त्र, सी मीमांसा शास्त्र और डी ज्योतिष शास्त्र। तो 24 का आंसर बिल्कुल सही, डी ज्योतिष शास्त्र। चलिए 25वें प्रश्न की ओर। शास्त्र को आज किस नाम से जाना जाता है? ए ज्ञान, बी अध्ययन, सी शिक्षा और डी व्याकरण। तो 25 का आंसर होगा बी अध्ययन, स्टडी को ही आज शास्त्र के नाम से जाना जाता है। 26वां प्रश्न, पाश्चात्य देशों में शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? दोनों में अंतर है, ध्यान दें, शास्त्र को आज किस नाम से जाना जाता है, ये अपने देश की बात हो रही है और ये पाश्चात्य देश के बारे में पूछा जा रहा है शास्त्र के बारे में। ए अनुशासन, बी संस्कृति, सी ज्ञान और डी शिक्षा। तो यदि आपने पाठ को पढ़ा होगा तो उसमें अनुशासन डिसिप्लिन की चर्चा की गई थी, तो 26 का आंसर ए अनुशासन। 27वां प्रश्न, निरुक्त के रचयिता कौन है? ए बादरायन, बी यास्क, सी पतंजलि और डी जैमिनी। पतंजलि के बारे में आपने जाना अभी थोड़ी देर पहले कि वो योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, जैमिनी के बारे में भी जाना आपने, बादरायन के बारे में भी जान गया। तो 27 का आंसर बी यास्क, यास्क निरुक्त याद रखेंगे। 28 छंद्र शास्त्र के रचयिता कौन है? ए आर्यभट्ट, बी चरक, सी पिंगल और डी पराशर। अभी ये पूछा नहीं गया था, आर्यभट्ट के बारे में जानकारी दे दी गई, चरक के बारे में, पराशर के बारे में, तो आंसर क्या होगा 28 का? सी पिंगल। छंद शास्त्र याद रखेंगे। 29 वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की? ए वराह मिहिर, बी चरक, सी लगध और डी बादरायन। याद रहे कि वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना लगध ने की थी, तो 29 का आंसर सी। 30 निम्न में से कौन वराह मिहिर की रचना है? ए व्याकरण, बी कर्मकांड, सी बृहत संहिता, डी वास्तुशास्त्र। तो याद रखेंगे वराह मिहिर, तो व्याकरण तो पाणिनि ने लिखा, वराह वो से आता है, तो याद रखेंगे। आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं बता दूं कि वराह मिहिर वो से बृहत संहिता, यानी सी 30 का आंसर सी। 31 व्यास का एक दूसरा नाम क्या है? यानी व्यास को जिन्होंने महाभारत की रचना की, अन्य ग्रंथ भी लिखे वेदों की रचना की, तो उनका एक दूसरा नाम क्या है? तो 31 का ऑप्शन देख लें पहले, ए आर्यभट्ट, बी वराह मिहिर, सी बादरायन और डी पराशर। किनको कहते थे व्यास? सी 31 का आंसर सी बादरायन। 32 दर्शन शास्त्र कितने प्रकार के? ए 4, बी 3, सी 6, डी 5। बताया गया था आपको कि दर्शन शास्त्र 6 प्रकार के होते हैं, तो 32 का आंसर सी, और सभी के प्रवर्तक को आप याद रखने की कोशिश करें। 33 नंबर प्रश्न की ओर चले। व्याकरण यहां शुरू है कि पाणिनि कृतम में कौन सा समास है? पाणिनि कृतम का मतलब क्या हुआ पहले आप सोचिए, पहले कि पाणिनि कृतम, ध्यान देंगे यहां से मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, समझाऊंगा भी, और व्याकरण जरूरी है और कितना जरूरी है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में जानकारी दूंगा। पाणिनि कृतम का मतलब हुआ पाणिनि के द्वारा किया हुआ, लिखा हुआ, रचा हुआ। अब के द्वारा, अब ध्यान दे ऑप्शन को देखिए। मान लिया कि ये प्रश्न आपको नहीं आता है, मैं बताता हूं कि आपको कैसे आ जाएगा ये। तो 33 का ऑप्शन है द्विगु। तो देखिए द्विगु समास में क्या होता है कि संख्या होती है, संख्या पूर्व द्विगु, तो पाणिनि कृतम में संख्या तो है नहीं, तो चलिए ये ऑप्शन हट गया, ठीक है।
एक और ऑप्शन ले लेते हैं डी, द्वंद। द्वंद होता है दो, मतलब कि दोनों पद की प्रधानता, जैसे मतलब कि रात दिन कह लें हिंदी में, राम लक्ष्मण कह लें, दोनों प्रधानता है तो दोनों तो है ही नहीं, पाणिनि अलग है कृत्रिम अलग है। कर्म धारे, कर्म को धारण करने वाला। अब यहां इसका अर्थ क्या था, पाणिनि कृतम, पाणिनि के द्वारा, कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, यानी तत्पुरुष, और वो भी यदि पूछा जाए विस्तार रूप से तो तृतीया तत्पुरुष, तो यहां तो तृतीया द्वितीया है नहीं, तो बिल्कुल सही होगा 33 का आंसर सी, तत्पुरुष। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। 34 नंबर प्रश्न, ज्ञातम में कौन सा प्रत्यय है। पिछले कई वीडियो में मैंने प्रत्यय के बारे में बताया है, यहां तक कि बिहार बोर्ड से जो मॉडल सेट निकले थे उनके भी सभी प्रश्नों को मैंने 11, 12 और 13 सेट में मैंने डाल दिया है, आशा है आप लोगों ने देखा होगा। तो लेप ए ऑप्शन है, बी ल्यूट है, सी नूल है और डी अक्त है। क्या लग रहा है आपको 34 का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, 34 का आंसर डी अक्त, ज्ञात, तो लग रहा है ना, तो अंतिम में तो इसमें आ रहा है अक्त में। 35, अस्थि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अस्थि का मतलब क्या होता है पहले ये समझे, अस्थि मतलब है, तो है का उल्टा क्या हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, आसित मने था, है और था, ये काल की बात हो गई, है और था, तो विपरीतार्थक उल्टा शब्द हो नहीं सकता है ये। बी संति मने है, तो अस्थि अस्तः संति ये बहुवचन हो गया, ये वचन नहीं पूछा जा रहा है, यहां पूछा जा रहा है कि विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। सी नास्ति नहीं है, डी आसन थे, आसित आस्ताम आसन, ये वचन की बात हो गई। तो है, आप सोचिए कि है का उल्टा क्या हुआ, नहीं है, यानी 35 का आंसर सी नास्ति, नौ जो अस्थि बराबर नास्ति। 36 नंबर, ग्रंथकाराश्च का संधि विच्छेद क्या है। ए ग्रंथकार जोड़ च, बी ग्रंथकारा जोड़ च, सी ग्रंथकारह जोड़ च और डी ग्रंथकारास जोड़ च। देखने में बिल्कुल सभी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपको सही से देखना होगा कि कहीं कुछ अंतर तो नहीं है, बिल्कुल सभी में अंतर है। और तलाबेश आधा है, मतलब कि ये विसर्ग संधि होगी। अब ए ऑप्शन देखिए ग्रंथकार जोड़ च और सी देखिए ग्रंथकारह जोड़ च, विसर्ग का अंतर है, कहीं आपने हड़बड़ी में ए नंबर लगा दिया ऑप्शन, तो गलत हो गया आपका, आंसर होगा सी ग्रंथकारह जोड़ च, र विसर्ग के बाद च आता है, वो आधा तलाबिश में बदल जाता है, विसर्ग संधि का नियम है। 37वां प्रश्न की ओर चलते हैं कि युष्माकम में कौन सी विभक्ति एवं वचन है। युष्माकम युष्मद शब्द का रूप है, ए षष्ठी एक वचन, ध्यान दे विभक्ति भी पूछा जा रहा है और वचन भी पूछा जा रहा है। बी षष्ठी बहुवचन, सी द्वितीया एक वचन और डी द्वितीया बहुवचन। ये काफी कन्फ्यूजन करने वाली बात है, लेकिन यदि आपने युष्मद शब्द के रूप यदि आपको याद होंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे कि युष्माकम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो इसका आंसर होगा बी षष्ठी बहुवचन। 38वां प्रश्न, पट धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। ध्यान दें परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आएगा, लंग लकार वो भी प्रथम पुरुष और बहुवचन। चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि ए में है पठती, ए तो यहीं से माइनस हो गया मतलब कट गया, ये नहीं होगा क्योंकि पठती जो है लट लकार में आता है वर्तमान काल में, पूछा जा रहा है लंग लकार, हटाइए इसको। पठंतु पठतु पठताम पठंतु, ये जो है लोट लकार का रूप है, हटाइए। अब बच गए दो, अपठत और अपठन, तो लंग लकार में की पहचान ही है कि धातु के पहले अ लगा रहेगा, तो ये तय हो गया कि सी और डी में से ही आंसर होंगे। अब क्या ध्यान दें कि प्रथम पुरुष के बहुवचन, प्रथम पुरुष के बहुवचन, तो ध्यान दें कि बहुवचन में रूप होता है अपठत अपठताम अपठन, तो अपठत जो एक वचन में है तो यहां बहुवचन में पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा डी अपठन।
39वां नंबर प्रश्न, बालक शब्द के तृतीया एक वचन का रूप क्या होगा? जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वे बालक शब्द के समान होंगे। अब तृतीया एक वचन में रूप क्या है? बालकस्य, बी है बालके, सी बालकाभ्याम और डी बालकेन। क्या लग रहा है आपको? तो आपको याद होगा बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा में, बालकम बालकौ बालकान, और तृतीया में बालकेन बालकाभ्याम बालकहि। यहां पूछा रहा तृतीया एक वचन, तो बालकेन, जैसे आपने राम शब्द का रूप याद किया होगा तो रामेन, जैसे रामेन वैसे बालकेन, तो 39 का आंसर हो गया डी बालकेन। 40वां और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, तुम कहां जाते हो का अनुवाद क्या होगा? ए तुम कुत्र गच्छति। अब देखिए तुम का तुम तो संस्कृत में होता ही नहीं है तो ये होगा ही नहीं। बी त्वम किम गच्छसि। अब किम माने क्या होता है, यहां पूछ रहा तुम कहां जाते हो, क्या जाते हो सुनी, तो ये माइनस हो गया यहां भी, मतलब ये नहीं होगा। सी तुम कस्य गच्छसि, कस्य माने किसका, ये भी नहीं है। और डी है तुम कुत्र गच्छसि, कुत्र मतलब कहां, तुम कहां जाते हो, तो 40 का आंसर हो गया डी। और यदि आप ऐसे ही अनुवाद सीखना चाहते हैं तो बने रहें मेरे इस वीडियो में, क्योंकि आने वाला जो अब चूंकि सेट ये संस्कृत पीयूषम का 14 पार्ट तो समाप्त हो गया, लेकिन आने वाला जो सेट है, अब सेट नहीं बल्कि अलग अलग टाइप की वीडियो बनेंगे, तो वीडियो आ रहा है अनुवाद पर, उस अनुवाद का क्या महत्व होगा मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो में सवाल जो पूछे गए थे उन सवालों के बारे में मुझे बताने हैं कि पिछले वीडियो में क्या सवाल पूछे गए थे। तो ये पूछे गए थे सवाल, ध्यान दें कि खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत हैं, अभी अभी इस शास्त्र काढ़ा में आया था, तो आप लोगों ने बहुत लोगों ने जवाब दिए, तो आंसर होगा डी ज्योतिष शास्त्र। और एक अभी अभी जो मुद्दा है आज का, करेंट अफेयर्स कह लें इसको, दूसरा नंबर सवाल पूछा गया कि नागरिकता संशोधन विधेयक CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्या है और इसे कब लागू किया गया, तो इसके बारे में मेरे जो नियमित पाठक दर्शक हैं वे बताते ही रहते हैं, मोहन कुमार शाह, इसके बारे में बता दूं कि जो बिल संसद से पास हुआ है वह नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव करेगा, 1955 में ही बिल बना था ये। इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत आसपास के देशों से भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म वाले लोगों की, बल्कि उनको नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए उन्हें भारत में कम से कम 6 साल बिताने होंगे, जबकि पहले यह नियम था, पैमाना था 11 साल से अधिक का था। तो अभी हाल ही में 11 दिसंबर को लोकसभा राज्यसभा से भी पारित कर लिया गया, कानून भी बन गया है, राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई है। और इसका जवाब बहुत से लोगों ने दिया, जिसमें मोहम्मद तौकीर आलम, पल्लवी कुमारी, मोहन कुमार शाह, टेक्निकल श्रवण जी, बहुत से लोगों ने दिया। और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि बहुत से ऐसे दर्शक रहे कि जो नियमित 1 से 14 वीडियो देखें, और उन लोगों में ऐसे तो बहुत लोगों ने देखे लेकिन कुछ मिस भी कर गए, लेकिन एक ऐसे नाम की मैं घोषणा करूंगा जो पूरे वीडियो 1 से 14 वीडियो उन्होंने देखा, और उसका नाम है पल्लवी कुमारी। तो पल्लवी कुमारी ने 1 से 14 पूरे सेट देखे, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने जितने भी इस सेट को देखा होगा अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे, और आने वाले जो आपकी मैट्रिक की परीक्षा है उससे आप, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पूछ दिए गए हैं, इससे और ज़्यादा संभावना नहीं है कि इससे और ज़्यादा प्रश्न आएंगे। तो देखिए मैं बता रहा था कि अब आने जो आगे सवाल पूछा जाएगा वो आज नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैं ये सीरीज समाप्त कर रहा हूँ। मैं आप सभी का अत्यंत आभारी हूँ कि आपने सभी इस वीडियो 1 से 14 को देखा, और जो लोग अभी देख रहे हैं किसी कारणवश आज आए हैं
उनसे भी निवेदन है कि आप पूरे वीडियो 1 से 13 वीडियो जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और जरूर देखें। तो अगला विषय किस टॉपिक पर रहेगा तो देखिए, और ये टॉपिक है कमिंग सून, मैंने यहाँ बोर्ड लगाया हुआ है, संस्कृत अनुवाद कैसे करें और पार्ट टू। पार्ट टू मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ दिनों पूर्व, बल्कि कुछ महीनों पूर्व, मैंने मुझे कहना चाहिए कि मैंने एक वीडियो बनाया था संस्कृत अनुवाद कैसे करें, लगभग 25,000 से अधिक व्यू हैं उस वीडियो पर, तो आप अवश्य देख लें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ये जो वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपको समझने में सहायता मिलेगी। और मैं इस पर इसलिए मैं बल दे रहा हूँ कि आपको पहले मैं आप मैट्रिक परीक्षा की पद्धति को जान लें कि आपको अपठित गद्यांश से 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 7 नंबर और 6 नंबर के 2 प्रश्न, पत्र लेखन 8 नंबर के पूछे जाते हैं, अनुच्छेद लेखन 7 नंबर के पूछे जाते हैं और अनुवाद 6 नंबर के पूछे जाते हैं। आप कहेंगे कि 6 नंबर के लिए ये फिर मैं इतना मेहनत क्यों करूं, तो आपको मैं बता दूं कि इस 6 नंबर में ही ये 34 नंबर मिला हुआ है, यानी आप यदि अनुवाद करना सीख जाते हैं तो आप पत्र लेखन भी कर सकते हैं जो 8 नंबर का दिया हुआ है, अनुच्छेद लेखन भी आपसे हो जाएगा 7 नंबर का है, और अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर जो कि 13 नंबर के होते हैं, तो 13 नंबर और 8 नंबर, 21 नंबर, अनुच्छेद लेखन 7 नंबर, 28 नंबर और अनुवाद 6 नंबर, तो 34 नंबर कुल मिलाकर के मैं कहूँ कि 34 नंबर के प्रश्नों के जवाब आप दे सकते हैं, 34 क्वेश्चंस के जवाब आप दे सकते हैं 34 नंबर के। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखेंगे और मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि मैं यह वीडियो कब लाऊं। इससे पहले इस बीच में अभी जो बिहार बोर्ड से जो मैट्रिक के मॉडल निकले हैं उन विषयों पर अभी प्रश्न आएंगे, उनका भी मैं मॉडल बनाने जा रहा हूँ, और मैं जो ही इसलिए मैं कहता हूँ कि आप यदि अभी तक इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो ही मेरा वीडियो आएगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। अंत में इस वीडियो को समाप्त करने से पूर्व मैं उन सभी का अत्यंत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने 1 से लेकर 14 तक इन हमारे इस वीडियो को देखा, और मैं आशा करता हूँ कि आप यह वीडियो आपके आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो बने रहें मेरे वीडियो को अगले देखने के लिए जो कि संस्कृत अनुवाद कैसे करें इस टॉपिक पर है। तब तक के लिए धन्यवाद।